नमस्कार, आज हम बनाएंगे गुड़ सॉल्ट की खास स्वाद वाली गुजिया। तासीर में गर्म होती हैं और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। तो दिवाली पर बदलते हुए मौसम में आप ये गुजिया बनाकर अपने परिवार को जरूर खिलाएं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। प्याली में हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आटा अगर चक्की का पिसा है तो आप उसे बारीक छलनी से छान लें, मोटा आटा नहीं होना चाहिए। इसमें हम 3 टेबल स्पून घी डालेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथेंगे। पूड़ी के लिए जो आटा गूंथते हैं उससे भी थोड़ा सा सख्त आटा गूंथेंगे। यह हमने अच्छा सख्त डो बनाकर तैयार किया है। बहुत ज्यादा सख्त नहीं है लेकिन पूरी के आटे से थोड़ा सख्त है। इतना डो लगाने में हमने आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी यूज किया है। आटे को ढककर हम सेट होने के लिए आधा घंटे के लिए रख देते हैं और जब तक आटा सेट होता है तब तक स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने ये पैन ले लिया, गर्म कर लेते हैं और इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। घी मेल्ट हो गया, इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सूजी, 2 टेबल स्पून गेहूं का आटा। गुजिया की स्टफिंग के लिए हम मोटा आटा यूज करते हैं। हमारे पास मोटा आटा नहीं है तो हम थोड़ी सी उसी आटे में सूजी डाल सकते हैं। इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे ताकि ये कढ़ाई के तले में लगे ना। सूजी आटे का कलर चेंज हो गया है, अच्छी सी खुशबू आ रही है, भुन गए हैं ये। अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर पाउडर सॉल्ट और इसे भी लगातार चलाते हुए इसके साथ में ही थोड़ा सा भूनेंगे, फ्लेम एकदम धीमी। और ये 2 टेबल स्पून ग्रेटेड सूखा नारियल, इसी में डालते जाते हैं और भूनते जाते हैं। 2 टेबल स्पून बादाम फ्लेक्स, बारीक काट कर बादाम ले लिए हैं। 2 टेबल स्पून बारीक कटे हुए काजू, आधा छोटी चम्मच जायफल पाउडर, इससे गुजिया का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अगर नहीं अवेलेबल हो तो नहीं डालें, गुजिया तो हमारी बहुत अच्छी बनेंगी। और आधा छोटी चम्मच दरदरी कुटी इलायची। 1 मिनट बिल्कुल धीमी गैस पर इन्हें भून लेते हैं ताकि हमारे जो ड्राई फ्रूट हैं वो थोड़े क्रिस्प हो जाएं और ज़्यादा टेस्टी हो जाएं। और इन सब चीज़ों से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। ये हमारी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से भुन गई हैं। स्टफिंग को मैं थाली में निकाल रही हूँ ताकि ये जल्दी से थोड़ी ठंडी हो जाए। इसमें एकदम गरम गरम में अगर गुड़ मिला दें तो गुड़ मेल्ट हो सकता है और हमारी स्टफिंग गीली हो जाएगी। स्टफिंग हल्की ठंडी हो गई, हम इसे हाथ से छू पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हमें हल्का ही ठंडा करना है, जितना कि हम उसे हैंडल कर सकें। ये हमने लिया है 3/4 कप ग्रेटेड गुड़। गुड़ को बारीक तोड़कर भी ले सकते हैं या फिर ग्रेटर में ग्रेट कर लें और हम इसे अच्छी तरीके से मिला देते हैं। यह हमारी स्टफिंग तैयार हो गई। आधा घंटा हो चुका है, हमारा आटा भी सेट हो गया है। इसे हम 3-4 मिनट तक मसलेंगे, आटे को एकदम सॉफ्ट बनाएंगे। आटे को हमने पूरा 4 मिनट तक मसल लिया है, आटा स्मूथ हो गया है। अब हम इसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे और लोइयां बनाएंगे। इतनी छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे। लोइयां हमने तोड़ ली, इन्हें हम ढककर रख लेते हैं। गुजिया बेलने के लिए हमने चकला बेलन ले लिया और रखने के लिए हमने एक ट्रे ले ली है जिसके ऊपर कपड़ा बिछा लिया है। किसी भी थाली पर इसी तरीके से कपड़ा बिछा सकते हैं या फिर प्लेटफॉर्म पर कपड़ा बिछा सकते हैं। गुजिया को कपड़े पर रखेंगे और दूसरे कपड़े से ढकेंगे ताकि हमारी गुजिया सूखे ना। तो एक आटे का टुकड़ा निकालेंगे और उसे अच्छे तरीके से मसलते हुए गोल करेंगे। ये पेड़ा जैसा बना लिया हमने, इसको हम बेलेंगे, किनारों से बेलेंगे। बीच से पतला और किनारे से मोटी नहीं होनी चाहिए हमारी पूरी। और ये गुजिया आटे से बन रही है तो बहुत ज़्यादा पतला हम इसे नहीं करेंगे, हल्का सा मोटा रखेंगे जैसे चपाती होती है। ये देखिए,
ये पूरी हमने बेल के तैयार कर ली और जो साइड नीचे की है उसे हम ऊपर की ओर कर लेंगे, क्योंकि इस साइड से गुजिया अच्छे तरीके से चिपकती है। हाथ को इस तरीके से कर लेंगे, थोड़ी सी गहराई मिल जाए हमें, और इसके ऊपर हम एक चम्मच स्टफिंग रख देंगे। और ये पानी को चारों तरफ उंगली से इस तरीके से लगाएंगे ताकि गुजिया अच्छे तरीके से चिपक जाए, और इसे आधा फोल्ड करते हुए चिपकाएंगे। हाथ से इस तरीके से दबाते हुए हम इसे अच्छे तरीके से चिपका देंगे। और अब हम इसे फोल्ड करेंगे, तो थोड़ा सा किनारे से दबाएंगे, थोड़ा सा फिर दबा देंगे, इस तरीके से दबाते जाएंगे, मोड़ते जाएंगे। तो ये हमने गुजिया घूट कर तैयार कर ली, ये हम रखेंगे इस कपड़े के ऊपर और दूसरे कपड़े से हम इसे ढककर रखेंगे। सारी गुजिया इसी तरीके से भरकर पहले हम तैयार कर लेंगे। ये हमारी सारी गुजिया हमने घोट कर बनाकर तैयार कर ली है। हम चाहें तो इन्हें आधा एक घंटे के लिए ऐसे ही ढका हुआ छोड़ सकते हैं, या फिर अभी तल सकते हैं, घी गरम कर लेंगे। ये स्टफिंग जो बच गई है इसे आप किसी भी डिब्बे में डालकर फ्रिज में रख दीजिए, और महीने में दो महीने में कभी भी आपको फिर से गुजिया बनानी है तब आप इस स्टफिंग को यूज़ कर लीजिए। इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ख़राब होने वाली नहीं है। घी को चेक कर लेते हैं, तो थोड़ा सा डो हम घी में डाल देंगे, बबल आ रहे हैं डो में, घी गरम है, हमें गुजिया तलने के लिए कम गरम घी चाहिए, मीडियम से भी हल्का गरम, और फ्लेम भी मीडियम से कम चाहिए, लो मीडियम फ्लेम रखेंगे। गुजिया जो हमने पहले बनाई है वो पहले तलेंगे, तो गुजिया तलने के लिए डाल देते हैं। धीमी फ्लेम पर हम इन्हें 2-3 मिनट तक तलने देंगे ताकि हमारी जो गुजिया की पपड़ी है थोड़ी सी क्रिस्प हो जाए। गुजिया तल के थोड़ी ऊपर आ गई हैं और नीचे की ओर से हल्की ब्राउन भी हो गई हैं, इन्हें हम पलट देते हैं। इन्हें हमें पलट पलट कर दोनों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। गुजिया अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। और सारी गुजिया इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। ये सारी गुजिया हमने तलकर तैयार कर ली। एक बार की गुजिया तलने में लगभग 5 मिनट लग जाते हैं, और इतने ढो से हमने 16 गुजिया बनाकर तैयार की हैं। गुड सॉर्ट की गुजिया सर्व करने के लिए तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद में किसी भी कंटेनर में भरकर रख लीजिए और 10-12 दिन तक आराम से खा सकते हैं। इन्हें बनाना आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप डो बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो, पूरी के डो से थोड़ा सा सख्त डो बनाना है। पोलाइटली बेलना है, अच्छे तरीके से भरना है, स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, चिपकाना है पानी लगाकर, और बड़े धीमे धीमे प्यार से घोंट लेना है। तलते समय ध्यान रखना है घी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो। बहुत अच्छी गुड़सौंठ की गुजिया बनकर तैयार होंगी। आप इसे इस त्यौहार पर ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।